शिवपुरी में 2 साल के कोरोना काल के बाद बड़ी धूमधाम से गजानन विराजे। इस साल भक्तों की खुशी की लहर दिखाई दे रही है। पुरानी शिवपुरी गणेश चौक पर पूर्व पार्षद रेखा गब्बर सिंह परिहार और भक्तजनों के द्वारा बप्पा का स्वागत किया गया। बीते 2 वर्षों में कोरोना के चलते गणेश उत्सव का रंग फीका रहा। लोगों ने अपने आराध्य भगवान गणेश का पर्व गणेश उत्सव मनाया, लेकिन सरकार द्वारा चलाई गई पाबंदियों के चलते लोग अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पाए। बीते वर्ष कोरोना के चलते गणेश प्रतिमा की ऊंचाई के साथ ही पांडाल का आकार फिक्स कर दिया गया था। 2 वर्षों बाद इस गणेश उत्सव में पूरे जोश और उत्साह से मनाया जाएगा। इस कारण इस बार गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाने की तैयारियां में लगे हुए हैं। ऐसी ही तैयारियां शिवपुरी में भी की जा रही है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गब्बर परिहार है। पहले पूर्व पार्षद रही है वार्ड नंबर 20 से। आज जो गणेश चतुर्थी है, आप उसके अवसर पर क्या कुछ कहेंगे? 13 सालों से गणपति बिठा रहे हैं और बहुत धूमधाम से बिठा रहे हैं। हमारी जैसी जो समिति करके है, जो रजिस्टर्ड है भोपाल से, उसके तहत हम ये कार्यक्रम करते हैं। और हमारे पूरे वार्ड की सपोर्ट, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब लोग हमसे सपोर्ट करते हैं पूरा इस कार्यक्रम में। प्रशासन का क्या कुछ रहा? आप शांतिपूर्वक आपके गणेश जी निकाले गए? हाँ बिल्कुल, प्रशासन ने पूरा सपोर्ट करता है। प्रशासन हमेशा ही करता है, पिछले 13 सालों से कर रहा है और आयोजन होता है। और अपने यहाँ शिवपुरी में कभी कोई दिक्कत नहीं आज तक आयोजन में। सर, आज जो गणेश चतुर्थी के अवसर पर आपकी, आप लोगों की पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं रखी? आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूरे शहर में 3 थानों में मिलाकर 10 पॉइंट लगाए गए हैं, जो मेन मेन चौराहे और चौराहे जी, जो फिजिकल रोड जहाँ गणेश जी की प्रतिमाएं सर्वाधिक बन रही हैं और बिक्री वहीं से हो रही है, वहाँ रूट को डाइवर्ट किया। कितने पॉइंट लगाए गए सर? 10 पॉइंट लगाए। शांतिपूर्वक, मतलब अभी तक शांतिपूर्वक व्यवस्था चल रही है, कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।